हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं एक और आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेलुएट करना है 0 to π ई रेज टू पावर कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स, और CBSE 2009 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू 0 to π ई रेज टू पावर कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से एक रिजल्ट लगाएंगे। क्या बेटा? 0 to a f(x, dx) क्या 0 to a f(a, -x, dx) ठीक है, लगाइए। I इक्वल टू 0 to π ई रेज टू पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। बस कुछ नहीं किया है, x को सिर्फ पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया है। जैसे इस फॉर्मूले में क्या हुआ था, 0 to a लिमिट थी, तो a का काम यहाँ पर पाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या किया, x को रिप्लेस किया a माइनस एक्स से। तो a का काम पाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि x की जगह पाई माइनस एक्स लगाया गया है इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है बच्चों, तो देखो अब आपको एक बात और पता है, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। नुकु जी कैसे होता है भाई? ये 11th क्लास में आपने क्वाड्रेंट पढ़े थे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और पाई और 2π पर, ठीक है, पाई के मल्टीपल पर टी रेशियो चेंज नहीं होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा देते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए लगाइए यहाँ पर क्या जाएगा, आई इक्वल टू 0 to π ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स, यहाँ कितना आएगा, ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस माइनस कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स। क्लियर? तो प्यारे बच्चों देखिए, आई इक्वल टू 0 to π ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखिए ये वाला साइड इस वाले साइड में जुड़ेगा, आई प्लस आई इक्वल टू 0 to π ई रेज टू पावर कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर कोस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया। बेटा ये आई प्लस आई कितना बन जाएगा, 2i, ठीक है, कंबाइन इंटीग्रेशन कर देंगे इनका, क्या जाएगा, ई रेज टू पावर कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर कोस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखिए एलसीएम ले लोगे, 2i एलसीएम ले लोगे 0 to π, यहाँ एलसीएम लेने से क्या होगा, देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ई रेज टू पावर कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स। एलसीएम लेते ही यहाँ से क्या बचेगा, ई रेज टू पावर कोस एक्स बचेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस कोस एक्स बचेगा डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों टर्म सेम हो चुकी है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to π 1 dx। ठीक है भाई, 2i
वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, जीरो टू पाई, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू आई इक्वल टू पाई माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों टू आई इक्वल टू पाई बचा है, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टू इसके नीचे चला जाएगा पाई बाई टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय बच्चों।